हेलो स्टूडेंट सो वी हैव फिनिश द स्पीशीज़ एंड जो भी हमारे प्रोटेक्टेड एरियाज थे वो हमने फिनिश कर लिया था नाउ लेट्स कम टू द लास्ट टॉपिक ऑफ बायोडायवर्सिटी एंड द टॉपिक इज़ फॉरेस्ट तो फॉरेस्ट में जो पहला टॉपिक है दैट इज़ फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल्स 2022 ट्वेंटी अब कंजर्वेशन रूल्स जो है जनरली हमारे फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट आया था 1980 में उसी में बहुत सारे रूल्स बने जैसे कि टू थाउजेंड थ्री का रूल्स बना उन सबको रिप्लेस करके अभी फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल्स टू थाउजेंड ट्वेंटी टू लाया गया है तो रिसेंटली ये इसलिए है कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल्स टू थाउजेंड ट्वेंटी टू को नोटिफाई किया है अब फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट की अगर बात करें तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन ठीक है आपको समझ में आ रहा है एक्ट के डेफिनेशन एक्ट के जो हमारा एक्ट का स्पेसिफ़िकेशन है उसी से समझ में आ रहा है कि जो भी कंजर्वेशन है जो भी हमारा लैंड है जो भी हमारी चीज़ें हैं डिफॉरेस्टेशन अगर हुआ है तो उसको एड्रेस करने के लिए फ़ॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट नाइनटीन लाया गया दो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट भी बना था जो टू थाउ में लाया गया था जो हमारे कलोनियल ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को अलाउ कर रहा था कि ब्रिटिश जो है टिम्बर को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं उस टाइम टिम्बर बहुत फेमस था तो फिर उसके बाद दो मेजर अमेंडमेंट्स किए गए 1988 1996 का जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने गोदा वर्मन केस जो था वो उसको अडॉप्ट किया उस जजमेंट को अडॉप्ट किया और डेफिनेशन ऑफ फॉरेस्ट को बताया अब साइलेंट फीचर्स अगर फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल्स की बात करें 2022 थाउजेंड की तो वे फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो है 1980 के अंदर लाया गया है और रिप्लेस किसको करेगा फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल्स 2003 का अब रूल्स जो है बहुत सारी कमिटीज़ उन्होंने इस्टेब्लिश किया है फॉर वेरियस फंक्शन जैसे कि सबसे पहली है प्रोजेक्ट स्क्रीनिंग कमेटी प्रोजेक्ट स्क्रीनिंग कमेटी जो है ये स्टेट और यू गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट करेगी बनाएगी जो हर साल हर मंथ जो है दो बार मिलेगी जो रिकमेंड करेगी जो भी प्रोजेक्ट है स्टेट और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को ये जो भी आ, आ, स्टेट गवर्नमेंट और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन है जो भी प्रपोजल ला रहे हैं उसको एग्जामाइन करेगी उसको एग्जाम करेगी और उसको रिसीव करेगी स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरेटरी से एक्सेप्ट अगर प्रपोजल इन्वॉल्विंग फॉरेस्ट लैंड ऑफ फाइव एकटर्स और लेस है तो उन चीज़ों को नहीं लेगी तो प्रोजेक्ट स्क्रीनिंग कमेटी जो फाइव एक्टर्स से ज़्यादा के लैंड है उनको जो है देखेगी रीजनल एम्पावर्ड कमेटी बनाएगी जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट सेटअप करेगी हर रीजनल ऑफिसेस में और ये हर बार दो बार मिलेंगे मंथ में और ये जो प्रोजेक्ट का अप्रूवल है रिजेक्शन है वो सारी चीज़ें देखेंगे फिर एक एडवाइजरी कमेटी सेटअप की जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट ही सेटअप करेगी उसमें सिक्स मेंबर्स रहेंगे हर मंथ में एक बार मिलेंगे और जो अप्रूवल से रिलेटेड चीज़ों को ग्रांट करेगी और उनको एडवाइस करेगी ओके सो दीज आर द सर्टेन कमिटीज़ जो इस्टेब्लिश हुई हैं इस रूल्स के अंदर नाउ लेट्स कम टू टाइम फ्रेमवर्क की अगर बात करें तो डिफॉरेस्टेशन आपको पता है डिफॉरेस्टेशन को हटाने के लिए जो है ये लाया गया तो टाइम फ्रेमवर्क अगर बात करें तो नॉन माइनिंग जो प्रोजेक्ट्स हैं ठीक है जो भी प्रोडक्ट्स जहाँ पे माइनिंग प्रोजेक्ट्स नहीं है नॉन माइनिंग प्रोजेक्ट्स हैं अगर वो फाइव टू फोर्टी हेक्टर्स के बीच में है उनको रिवाइव किया जाएगा विद इन सिक्सटी डेज माइनिंग प्रोजेक्ट जो है फाइव टू फोर्टी हेक्टर्स को उनको रिवाइव किया जाएगा विद इन सेवेंटी फाइव डेज अब फॉर प्रोजेक्ट जो कि लार्जर एरिया में है अगर लार्जर एरिया को इंक्लूड करते हैं तो वहाँ पर वन डेज नॉन माइनिंग प्रोडक्ट्स प्रोजेक्ट्स के लिए दिया है अगर हंड्रेड हेक्टर्स से ज्यादा है और वन डेज माइनिंग एरियाज के दिए ले दिया गया है फॉर हंड्रेड एक्टर्स ठीक है हंड्रेड एकक्टर्स से अगर ज्यादा है अब इन प्रिंसिपल अप्रूवल भी आपको लेना पड़ेगा एडवाइजरी कमेटी रिकमेंड करेगी उनके रिकमेंडेशन के बाद इन प्रिंसिपल अप्रूवल दिया जाएगा जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट देगी फाइनल अप्रूवल जो है नोडल ऑफिसर जो है आफ्टर इन प्रिंसिपल अप्रूवल रिसीव कर लेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट से उसके बाद नोडल ऑफिसर जो है फाइनल अप्रूवल देंगे एफॉरेस्टेशन के लिए अब कंपलसिट्री एफॉरेस्टेशन की बात करें तो लैंड जो भी आ, कंपल्सट्री एफॉस्टेशन के लिए आप देख रहे हो जो भी लैंड डिफॉरेस्ट किए हो माइनिंग और नॉन माइनिंग एक्टिविटीज़ के लिए अगर उनको एफॉरेस्टेशन करना है तो वो लैंड जो है ना ही वो फॉरेस्ट के अंदर आना चाहिए और ना ही वो लैंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मैनेज करना चाहिए तो जो भी लैंड फॉरेस्ट के अंदर आ रहे हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मैनेज कर रहे हैं वो लैंड जो है उनको एफॉरेस्टेशन नहीं कर सकते आप आपको कोई और लैंड लेना पड़ेगा कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन के लिए ओके नाउ लेट्स कम टू वट इज़ द कम्पनसेट्री एफॉरेस्टेशन कम्पलसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड एक्ट टू थाउजेंड सिक्सटी की अगर बात करें तो ये कंपल्सिट्री एफॉरेस्टेशन उसी के अंदर इस्टेब्लिश किया गया कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन का मतलब होता है कि जितना भी लैंड आपने किसी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज के लिए डाइवर्ट किया है उतना ही लैंड आपको एफॉरेस्टेशन भी करना पड़ेगा पेंट लगाने पड़ेंगे ठीक है जो भी नॉन फॉरेस्ट पर्पज़ के लिए आप लैंड यूज़ कर रहे हो ये जो एक्ट है उन्होंने नेशनल स्टेट फंड इस्टेब्लिश किया है सेम पर्पज़ के लिए नाइन्टी परसेंट जितना भी फ़ंड uh, है जितना भी मनी है कम्पल्सिटरी एफरेस्टेशन के लिए वो स्टेट और यूटी गवर्नमेंट जो है स्टेट फंड में ट्रांसफर करेगी और बैलेंस जो है जो भी दस परसेंट बचेगा वो नेशनल फंड में और मनी जो भी रिसीव होगा नेशनल और स्टेट फंड में वो इंटरेस्ट बेरिंग होगा नॉन लेप्सिबल होगा मतलब बाद में भी यूज़ कर सकते हो और पब्लिक अकाउंट के अंदर आएगा याद रखेगा किस किस एक्ट किस में डालेंगे पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में डालेंगे अब नेशनल एंड स्टेट अथॉरिटी की अगर बात करें तो इनका फंक्शन यही है कि ये जो भी रिस्पेक्टिव फंड है उसको मैनेज और यूटिलाइज करेंगे कंजर्वेशन और डेवलपमेंट के लिए फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ के लिए ठीक है तो दिस इज़ ऑल अबाउट कंपनसेटरी फंड नाउ लेट्स कम टू जूज एक्जटेड फॉर फ्रॉम परमिशन अंडर फॉरन कंजर्वेशन एक्ट अब जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने अप्रूव किया है कि जो भी हमारे सेंट्रल जू अथॉरिटी हैं और जो भी अप्रूव करते हैं कि जूज जो है फॉरेस्ट लैंड में है फॉरेस्ट्री एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं अंडर फॉरेस्ट एक्टिविटी फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट नाइनटीन तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो है जूज रेस्क्यू सेंटर्स ये सारे नॉन फॉरेस्ट्री एक्टिविटीज़ की तरह कंसीडर कर सकते हैं कंसीडर करते हैं और फॉरेस्ट क्लियरेंस जो है सेंटर से मैंडेटरी होता है तो अभी रिसेंटली में जूस को एग्जैम्प्ट कर दिया पहले क्या था कि मैंडेटरी था आपको सेंटर से नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटी के लिए अगर आप कुछ कर रहे हो जूस वगैरह में तो आपको सेंटर से परमिशन लेनी पड़ेगी बट अभी जो है फॉरेस्ट क्लियरेंस लेनी पड़ेगी बट अभी जो है जूज़ को एग्जेम्प्ट कर दिया है कि वो मल्टीपल परमिशन की ज़रूरत उनको नहीं है अब सेंट्रल जू अथॉरिटी की बात करें तो हमने बताया था कि ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर बनी है ये हमारी स्टेटरी बॉडी है जिन्होंने सेंट्रल जू अथॉरिटी का स्टेब्लिशमेंट बताया था जो हमारी रिच बायोडावर्सिटी है जूज़ है उनको कंजर्व करने के लिए सेंट्रल जू अथॉरिटी में अगर बात करें तो चेयरमैन होते हैं टेन मेम्बर्स होते हैं और मेबर सेक्रेटरी होते हैं और हर जू जो है इंडिया में वो सेंट्रल जू अथॉरिटी का रिकिग्निशन लेते हैं फॉर इट्स ऑपरेशन मतलब स्टार्ट करने के लिए ठीक है तो, तो दिस इज़ ऑल अबाउट सेंट्रल ज़ू अथॉरिटी एंड फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल्स रूल इट वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज छत्तीसगढ़ ने अभी रिकोगनाइज किया है अपना कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट ट्राइबल्स के लिए कंगेर घाटी नेशनल पार्क ठीक है जो भी हमारे कंगेर घाटी ने पार्क में ट्राइबल्स रहते हैं उनका कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट जो है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने रिकगनाइज किया है मोर ऑन न्यूज़ की अगर बात करें तो कंगेर घाटी कंगेर घाटी नेशनल पार्क जो है ये सेकेंड प्रोटेक्टेड एरिया है जो कंट्री में जिसको अभी कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट दिया गया है आफ्टर सिंपली पाल पहले सिंपली पाल उड़ीसा को दिया गया था अब जो है कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट किसको दिया गया है कंगेर घाटी नेशनल पार्क अब कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट की बात करें तो ये एक कॉमन फॉरेस्ट लैंड होता है ये एरिया होता है कॉमन फॉरेस्ट लैंड होता है जो ट्रेडिशनली हमारी पर्टिकुलर लोकल कम्युनिटी प्रोटेक्ट करती है और कंजर्व करती है और सस्टेनेबल वे में वहाँ की चीज़ों को यूज़ करती है अब इसमें फॉरेस्ट किसी भी कैटेगरी के हो सकते हैं रेवेन्यू फॉरेस्ट हो सकता है क्लासीफाइड अन क्लासीफाइड डीम्ड फॉरेस्ट रिजर्व फॉरेस्ट किसी भी कैटेगरी का नेशनल पार्क सेंचुरी सारी चीज़ें इसके अंदर आ सकती हैं ठीक है थीके? तो अब कंगेर घाटी नेशनल पार्क की बात कर लेते हैं उसके बाद कम्युनिटी फॉरेस्ट अब कंगेर घाटी नेशनल पार्क जो है अभी आपको हमने बताया कि ये कहाँ पे है छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ में है ठीक है जो कि बहुत सारे लेंथ बहुत ज़्यादा जो है है अब होम ये जो है तीन एक्सेप्शनल केव्स यहाँ पे मिलते हैं कुतुब बसर कैलाश एंड दंडक ठीक है जहाँ पे स्टेलेगमाइट्स और स्टेलेक्साइट्स मिलते हैं स्टेलेगमाइट्स और स्टेडिकसाइट्स जो है आप मुझे बताइएगा कौन से इरोजन से बनते हैं ठीक है कौन से डिपोजिशन या इरोजन से बनते हैं कौन इसका ड्राइविंग एजेंट है फिर आते ती, तीर्थ घर गढ़ जो है वाटरफॉल यहीं पर लोकेटेड है फॉरेस्ट टाइप की बात करें तो मिक्स्ड ह्यूमिड डिसिडियस फॉरेस्ट है साल शगुन टीक ये सारे मिलते हैं फ्लोरा एंड फोना की बात करें तो टाइगर पेंथेरा वाइल्ड कैट चीतल ये सारी चीज़ें मिलती हैं द मोस्ट पॉपुलर स्पीशीज़ जो है इस एरिया की क्या है बस्तर मैना स्टेट बर्ड है हमारे छत्तीसगढ़ की तो बस्तर मैना जो है स्टेट बर्ड है कहाँ की छत्तीसगढ़ की ठीक है तो ये यहीं पर मिलती है अब आते हैं कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट की अगर बात करें तो कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट जो है हमारा कौन से एक्ट में है तो फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 का जो है जिसको हम शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ज्वेलर्स एक्ट भी बोलते हैं उसी के अंदर रिकेगनाइज होता है कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट तीन टाइप के फॉरेस्ट राइट रिकेग्नाइज कहते हैं इंडिविजुअल फॉरेस्ट राइट कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट और जो भी आपका ऑनरशिप राइट्स है वो ठीक है तो ये जो जो भी हमारे फॉरेस्ट राइट हैं उनको रिकग्नाइज़ किया जाता है और उनका ऑक्यूपेशन जो है फॉरेस्ट लैंड का फॉरेस्ट ड्वेलिंग शेड्यूल ट्राइब्स जो है को दिया जाता है और अदर ट्रेडिशनल कम्युनिटी जो वहाँ पर रिसाइड कर रही हैं उस फॉरेस्ट में उनको दिया जाता है ठीक है सारी कम्युनिटी जो है वो रूल्स फॉर्मुलेट कर सकती है फॉर फॉरेस्ट यूट बाई फॉरेस्ट यूज बाई इट सेल्फ एंड अदर्स और ग्राम सभा को अथॉरिटी देता है कि वो लोकल ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करें फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए अब फॉरेस्ट कंजर्वेशन फॉरेस्ट रेगुले फॉरेस्ट राइट एक्ट जो है वो हमारे कम्युनिटी राइट्स और कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट को प्रोटेक्ट करता है इन ऑल फॉरेस्ट लैंड इंक्लूडिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज टाइगर रिजर्व और नेशनल पार्क ओके एम नाउ लेट्स कम टू अदर फॉरेस्ट रिलेटेड न्यूज़ तो ट्रीज़ जो हमारे फॉरेस्ट uh, के आउटसाइड रहती हैं इन इंडिया इनिशिएटिव ये किसने लॉन्च किया है तो ट्रीज़ आउटसाइड फॉरेस्ट इन इंडिया इनिशिएटिव ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज और यू एजेंसी इंटरनेशनल डेवलपमेंट ने लॉन्च किया है यहाँ पर हमको यही हेल्प यही करना है कि हमारा कार्बन सिक्वस्ट्रेशन है जितना भी कार्बन हम एमिट कर रहे हैं उसको सिक्वस्ट्रेट करना है लोकल कम्युनिटीज़ को सपोर्ट करना है क्लाइमेट रिजिलेंस बनाना है और इम्प्लीमेंट करना है ये सेवन स्टेट में आंध्र प्रदेश आसाम हरियाणा उड़ीसा राजस्थान तमिलनाडु और यहाँ पे फार्मर्सरेटिव हो गए प्राइवेट इंस्टीट्यूशन सबको एक साथ लाके और ट्री कवरेज को एक्सपैंड करना है आउटसाइड हेक्टर्स अब आते हैं ट्री सिटी ऑफ़ द वर्ल्ड टैग तो मुंबई एंड हैदराबाद को अभी जॉइंटली दोनों को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड टैग मिला है अब ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड ट्रैक प्रोग्राम जो है वो किसका है यूनाइटेड नेशन फाओ का है अमेरिकन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है अरबोर डे फाउंडेशन इन दोनों ने मिल के अब ये यही है कि जो भी कम्युनिटी अर्बन फॉरेस्ट के लिए डेडिकेटेड है उनको डायरेक्ट असिस्ट डायरेक्शन प्रोवाइड करना असिस्टेंस प्रोवाइड करना और वर्ल्ड वाइड रिकगनीशन प्रोवाइड करना अब सिटी जो है वो फाइव स्टैंडर्ड पे मेजर की जाती हैं पहली है रिस्पॉन्सिबिलिटी पे रूल्स पे और नो वॉट यू हैव क्या है आपके पास रिसोर्स एलोकेट करने पे और सेलिब्रेट द अचीवमेंट तो इन फाइव स्टैंडर्ड पे इवेलुएट किया जाता है फिर आते हैं नगर वन स्कीम जो 2020 में लॉन्च किया ऑन वर्ल्ड वर्ल्ड लॉन्च 2020 में किया गया नगर वन स्कीम वर्ल्ड एनवामेंट डे जब सेलिब्रेट कर दिया जाता है फिफ्थ जून को यहाँ पर फोर हंड्रेड अलवर अ, अर्बन फॉरेस्ट को डेवलप करना है और टू हंड्रेड नगर वाटिका को डेवलप करना है नेक्स्ट फाइव ईयर्स अंडर द स्कीम अगर बात करें तो ट्वेंटी हेक्टर्स जो फॉरेस्ट है वो क्रिएट किया जाएगा सिटी में फ़ॉरेस्ट जो है इधर एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट लैंड के अंदर है या फिर वैकेंट लैंड के अंदर आता हो जो हमारी अर्बन लोकल बॉडीज़ ऑफर करती हो वो सारी चीज़ें वन उद्यान की बात करें तो वो कौन स्टेब्लिश करेगा और मेंटेन करेगा स्टेट गवर्नमेंट और फुली फंडेड अंडर कैंपा अथॉरिटी ठीक है कंपा फंडस के अंदर फंड किया जाएगा फिर आते हैं मियाँ बाकी मैथड मियाँ बाकी मैथड जनरली हमारे एफॉरेस्टेशन से रिलेटेड है ये एक टेक्निक है जो हमारे अर्बन एफ़ॉरेस्टेशन को आ, क्रिएट करती है जहाँ पे माइक्रो फॉरेस्ट और स्मॉल पॉट्स ऑफ लैंड में हम फॉरेस्टेशन करते हैं वो मियाँ वाकि टेक्निक अर्बन फॉरेस्टेशन से रिलेटेड है तो फजील का डिस्ट्रिक्ट जो है हमारे पंजाब का उन वो जो है अभी बिकम अभी एक फॉरेस्ट एक को एक्सपैंड कर रहा है अब मियाँ वाकि मेथड जो है वो जापानीज बॉटनिस्ट अकीरा मियाँ ने नाइनटीन में डिवाइस किया था और ये टेन टाइम्स फास्टर ग्रोथ है मतलब यहाँ पर अगर हम प्लांट को ग्रोथ कर रहे हैं फॉरेस्टेशन कर रहे हैं तो यहाँ टेन टाइम्स फास्टर ग्रोथ होती है हमारे प्लांट की देन यूजल और ये जनरली फोर लेयर्स में है, श्रब, ट्री एंड कैनोपी फिर आते हैं वनीकरण प्रोजेक्ट वनीकरण प्रोजेक्ट की बात करें तो केरला गवर्नमेंट ने अभी लॉन्च किया है नेचुरल वेजिटेशन को रिस्टोर करने के लिए यह भी एक एफॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट है जहां पे टू रूट आउट इन्वेजिव प्लांट्स स्पेशली सैना स्पेक्टेबिलिस ठीक है अभी हमने पढ़ा था कि ये जो है हमारे इन्वेजिव स्पीशीज है ठीक है ये एग्जीक्यूट किया जाएगा सुल्तान बतरी फॉरेस्ट रेंज ऑफ वैनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बार बार बता रहे वैन आड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है केरला में ठीक है ये पिलर है जहाँ पे सिबलिंग्स uh, सेपलिंग्स जो है बैम्बू के उसको प्लांट करेंगे फ्रूट प्लांट्स के और रेन वाटर हार्वेस्टिंग करेंगे और वर्ल्ड uh, वाइड uh, जो हमारा वैनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो इंट्रीगल पार्ट है हमारे नीलगिरी बायोस्फेर रिजर्व का तो दीज आर द प्रोजेक्ट जो हमारे न्यूज़ में थे नाउ लेट्स कम टू वेटलैंड कोस्टर कोस्टलैंड एंड ओशंस की बात करें तो सबसे पहले न्यू रामसर साइट्स की बात करते हैं तो आपको पता है अभी इंडिया में कितनी रामसर साइट्स हो गई हैं तो रिसेंटली इंडिया ने डेजिग्नेट किया है ट्वेंटी सिक्स न्यू वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट अंडर द रामसर साइट रिसेंटली अभी अगर बात करें तो इंडिया में अब टोटल सेवेंटी फाइव रामसर साइट्स हो गई हैं डेजिग्नेशन जो है इन साइट्स को कहीं हेल्प करेगा कि उनका कंजर्वेशन और मैनेजमेंट बहुत अच्छे से हो सके और वाइज यूज़ उनके रिसोर्सेज का कर सके अब वेटलैंड्स क्या होते हैं वेटलैंड्स वो एरिया होते हैं जो पार्शली और फुली सम्ड होते हैं वाटर से परमानेंटली हो या सीजनल हो एज़ पर द रामसर कन्वेंशन अगर बात करें तो वेटलैंड्स कौन कौन से एरियाज़ होते हैं एरियाज ऑफ मार्च फेंस पीट लैंड ठीक है नेचुरल आर्टिफिशियल हो परमानेंट टेम्परेरी हो वाटर स्टेटिक हो फ्लोइंग हो फ्रेश वाटर हो कैसा भी हो uh, नॉट एक्सिक्स सिक्स मीटर से ज़्यादा एक्सीड ना करें तो उनको हम वेटलैंड्स में काउंट करते हैं इंडिया जो अगर बात करें तो सेवन लैक वेटलैंड्स जो हैं कवरिंग सिक्सटीन दस फोर पॉइंट एट सिक्स परसेंट ऑफ टोटल जोग्राफिकल एरिया इन 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 कम्पेरिजन टू मैन मेड वेटलैंड एरिया बात करें तो नेचुरल वेटलैंड एरिया जो है अप्रॉक्सिमेटली टू टाइम्स है ठीक है तो वेटलैंड जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अब अब जनरली अभी एक फोर्टीन कॉन्फ्रेंस हुआ था रामसर कन्वेंशन का वेटलैंड का जो कि वुहान डिक्लेरेशन उन्होंने अडॉप्ट किया है वुहान में हुआ था तो वुहान डिक्लेरेशन ने अभी कंजर्वेशन प्रमोशन और सस्टेनेबल यूज वेटलैंड के लिए उनके लिए कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें बताई हैं तो थ्री प्रायोरिटीज एरियाज की अगर बात करें तो जो भी वेटलैंड हमारे लॉस हुए है, उनको रिवर्स करना है वेटलैंड को नेशनल एक्शन प्लान है कि जो भी हम प्लान्स बना रहे हैं वो हमारे वेटलैंड्स को भी कंसीडर इंप्लीमेंटेशन करें स्ट्रैटेजिक गोल्स और प्रायोरिटी एरियाज बनाने वेटलैंड्स के लिए हेल्दी वेटलैंड इकोसिस्टम बनाना है एज नेचर बेस्ट सोल्य रिपोर्ट जो है फोर्टीन में पब्लिश की गई है इनफॉमेशन ऑन सेवेंटी फाइव परसेंट ऑफ वेटलैंड इंक्लूडेड इन लिस्ट ऑफ रामसर साइट्स जो है आउटडेटेड हो गया है और पार्टीज ने बोला है जो भी रामसर कन्वेंशन की पार्टीज हैं उनको अपनी इन्फॉर्मेशन को अपडेट करना है फॉर देयर रामसर साइट एट लीस्ट वंस इन एवरी सिक्स ईयर्स नाउ लेट्स कम टू वॉट इज रामसर कन्वेंशन तो नाइनटीन सेवनटी वन में इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी है जो वेटलैंड के कंजर्वेशन और उनके मैनेजमेंट के लिए लाई गई नाइनटीन सेवेंटी वन में और वो चालू कब से हुई नाइनटीन सेवनटी फाइव से ये एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है कि कैसे हम वेटलैंड और वे वेटलैंड के वाइड यूज रिसोर्सेज को यूज कर सकते हैं उनको कंजर्व कर सकते हैं वाइज यूज ऑफ वेटलैंड का डेफिनेशन इन्होंने दिया है वाइज यूज ऑफ वेटलैंड का डेफिनेशन इज डिफाइंड एज द मेंटेनेंस ऑफ इकोलॉजिकल कैरेक्टर जो भी उनका इकोलॉजिकल कलेक्टर है जो भी वहां पे फ्लोरा एंड फौना है उनको प्रोटेक्ट करना है अचीव थ्रू इंप्लीमेंटेशन ऑफ इकोसिस्टम अप्रोचेस विद इन द कांटेक्स्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट 172 कंट्रीज इसकी पार्टी है और इंडिया इज आल्सो अ पार्टी ऑफ इट अब सिक्स रेकग्नाइज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इसके पार्टनर हैं वेरी इंपॉर्टेंट बिल्कुल याद रख लीजिएगा कौन सी सिक्स हैं पहली है बर्ड लाइफ इंटरनेशनल दूसरी है आई तीसरी है इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इनिशिएटिव फिर वेटलैंड इंटरनेशनल वर्ल्ड वाइड फंड इंटरनेशनल एंड विंड फॉल एंड वेटलैंड ट्रस्ट दीज आर दर सिक्स बॉडीज जो हमारी इसके अंदर रिकग्नाइज है अब रामसर साइड्स जो है जो भी पोटेंशियली बहुत ज़्यादा रिस्क होता है कि वो बाद में जाके खराब हो जाएंगी या फिर उनका प्रोटेक्शन नहीं हो पाएगा तो उनमें मॉन्ट्रक्स दो जो इंडिया की हैं वो हमने मॉन्ट्रक्स रिकॉर्ड में इंक्लूड है अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि मॉन्ट्रस रिकॉर्ड में कौन सी दो साइड्स जो है हमने इंक्लूड किया है ठीक है तो वो आप हमें आ, बताएंगे कमेंट सेक्शन में ओके अब वट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ वेटलैंड सिग्निफिकेंस ऑफ वेटलैंड की अगर बात करें तो वेटलैंड्स जो होते हैं जनरली ये हमारे कार्बन सिंक होते हैं जितना भी सी हम एमिट करते हैं अगर ये कम हो जाएंगे तो कार्बन सिंकिंग एबिलिटी जो है वो कम हो जाएगी तो कार्बन सिंक है क्योंकि ये वर्ल्ड के फॉरेस्ट वर्ड्स में सबसे ज़्यादा कार्बन सिंक करते हैं हैबिटेट है बहुत सारी बायोडावर्सिटी के लिए माइग्रेटरी पैटर्नस के लिए शॉक एब्बॉर्वर्स हैं बिकॉज ये बैरियर्स की तरह वर्क वर्क करते हैं अगर फ्लड आ गया तो अगर ये सारी चीज़ें अगर लगी हैं तो ये हमको कम इफेक्ट करते हैं वाटर स्टोरेज कैपेसिटी यहाँ पे बहुत होती है क्योंकि ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज बढ़ जाते हैं इंट्रेंसिक कल्चर और रिक्रिएशनल वैल्यूज होती हैं लाइवलीहुड क्रिएट करते हैं जो हम जो भी कम्युनिटी वहाँ पर रहती है किडनी ऑफ द लैंडस्केप प्योरीफाई वाटर बाई लॉकिंग ऑफ पॉल्यूटेंट्स इन देयर सेडिमेंट्स एंड वेजिटेशन अब रामसर वेटलैंड साइट्स इन इंडिया में अगर बात करें तो ये आप याद कर सकते हैं कहाँ पर कौन सी वेटलैंड साइट है ठीक है हम बाद में पढ़ेंगे ज़रूर जो अगर हमारे आ, पीछे आई थिंक दिया हुआ है इसी बुकलेट में सबसे पीछे नीचे आ, दिया हुआ है वेटलैंड साइट्स तो हम वो पढ़ेंगे दीज आर द सम वेटलैंड साइट्स यू हैव टू सेवेंटी फाइव वेटलैंड साइट्स है जो आप एक बार देख जरूर लीजिएगा कहाँ पे कौन सी है वो इंपॉर्टेंट है अदर थिंग्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट अब नाइन क्राइटेरिया है वेटलैंड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए तो जो क्राइटेरिया है बाकी सब तो आपको पता है यूनिक रिक्रिएशनल वैल्यू हो जाएगी जो इंपॉर्टेंट है वो है कि प्लांट और एनिमल स्पीशीज क्रिटिकल स्टेज में होने चाहिए ट्वेंटी और वाटरवर्ड्स वर्ड्स को ये सपोर्ट करना चाहिए वन परसेंट इंडिविजुअल जो पॉपुलेशन है वो वाटरवर्ड वर्ड की होनी चाहिए सिग्निफिकेंट प्रपोर्शन ऑफ इंडिजिनियस फिश सब सब स्पीशीज होनी चाहिए वन परसेंट ऑफ इंडिविजुअल और पॉपुलेशन जो है एक स्पीशीज की और सब स्पीशीज की वेटलैंड डिपेंडेंट होना चाहिए नॉन एवियन एनिमल स्पीशीज होना चाहिए तो है दीज आर द नाइन क्राइटेरियाज विच नेवर विल बी आस्ट बट यू जस्ट एक बार रीड आउट कर लीजिए अब अदर रामसर साइट्स इन न्यूज़ की अगर बात करें तो चिलिका लेक चा लेक जो है ये आपको पता है विच इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट कोस्टल लगून है हमारे इंडिया का मतलब पूरे वर्ल्ड का ही अब नंबर ऑफ इरावडे डॉल्फिन जो है चिल्का लेक में अभी कम हो गए हैं हमने अभी गैंगटिक रिवर डॉल्फिन पढ़ा था इरावडे डॉल्फिन आप आ, को मैंने बोला था पढ़ लीजिएगा तो चिल्का लेक जो है ये उड़ीसा में है एशिया का लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है बट लार्जेस्ट कोस्टल लगून है हमारे वर्ल्ड का इरावडे डॉल्फिन जो है ये कोस्टल डॉल्फिन है जो नियर शोर वाटर्स पर रहती हैं साउथ ईस्ट और साउथ एशिया के ये जनरली मैकोंग महाकेम अयरवाडी रिवर्स जो है कम्बोडिया इंडोनेशिया म्यांमार वहाँ पर मिलती हैं और आयु स्टेटस इनका एंडेंजर्ड है मैंने बताया था तीनों डॉल्फिन का एंडेंजर स्टेटस है फिर सुंदरबन वेटलैंड्स की अगर बात करें तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ने अभी कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्लान लेकर आए हैं जहां पर उन्होंने बोला है कि कंस्ट्रक्शन अगर आप मल्टी पर्प साइक्लोन शेल्टर्स का कर रहे हैं बिना क्लियरेंस के सुंदरबंस में तो उसको वो जो है डिले हुआ है तो कोस्टल कोस्टल रूल्स कोस्टल जो हमारा रूल जोन है नोटिफिकेशन 2011 का उन्होंने डेजिग्नेट किया था कि सुंदरबन जो है एक क्रिटिकली वनरेबल कोस्टल एरिया है और कोई भी डेवलपमेंट अगर आप वहाँ कर रहे हो तो वहाँ पे उस डेवलपमेंट के लिए आपको वेस्ट बंगाल स्टेट कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी की परमिशन लेनी पड़ेगी हाउएवर कोई भी परमिशन ली नहीं गई बिना कंस्ट्रक्शन से पहले तो जो भी प्रोजेक्ट था वो उसके कारण क्या हुआ मांग्रोव्स का डिस्ट्रक्शन हुआ रिवराइन चैनल्स का डिस्ट्रक्शन नेचुरल हैबिटेट्स जो थे वाइल्ड लाइफ का उनका भी डिस्ट्रक्शन हुआ अब सुंदर वंश की बात करें तो ये लार्जेस्ट मांगरूफ फॉरेस्ट है आपको पता है रिवर गंगा और ब्रह्मपुत्र के डेल्टा से बनता है ये जो है टाइगर का सबसे इंपॉर्टेंट होम है जहाँ पर नंबर ऑफ अदर भी रेयर थ्रेटेंड स्पीशीज मिलती हैं जैसे कि फिशिंग कैट इरावटी डॉल्फिन अब आते हैं ईस्ट कोलकाता वेटलैंड तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ने अभी पाउंड पॉइंट आउट किया है कि जो आ, ए, हम बहुत सारे एक्शंस नहीं ले रहे हैं ईस्ट कोलकाता वेटलैंड मैनेजमेंट अथॉरिटी uh, जो है हमारी वो ठीक है तो ये एक ईस्ट कोलकाता वेटलैंड की बात करें तो ये यूनिक पेरी अर्बन इको है जो कोलकाता में है और मल्टीपल यूज़ है इस वेटलैंड का ठीक है पिसीकल्चर फिश फार्मिंग एग्रीकल्चर के लिए फिर आते हैं लोकतक लेक वेरी इंपॉर्टेंट इज इज़ इन मणिपुर हमने बताया था जब संगाई डियर पढ़ाया था तब आपको लोकटक लेक भी बताया था और केबल लेम जाओ नेशनल पार्क भी बताया था ठीक है तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन ने एक फ्लोटिंग फोटो एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज किया है लोकतक लेक मणिपुर में अब लोकतक लेक जो है वो इम्फाल के आसपास ही सिचुएटेड है और ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया का और यहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ फ्लोटिंग आइलैंड्स हैं जैसे जिनको हम फुमदीज बोलते हैं जहाँ पे मल्टीपल प्लांट स्पीशीज है और केबिल लेम नेशनल पार्क ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क है हमारे पूरे वर्ल्ड का लास्ट नेचुरल हैबिटेट है शंगाई डियर जो कि एंडेंजर्ड है अदर स्पीशीज की बात करें तो हॉक डियर ऑटर वाटरफॉल्स माइग्रेटरी बर्ड्स वो भी मिलते हैं ओके नेक्स्ट कम टू आइलैंड प्रोटेक्शन जोन तो अभी ये न्यूज़ में इसलिए है कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ़ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने कुछ चेंजेस अप्रूव किए हैं आइलैंड प्रोटेक्शन जोन में और आइलैंड कोस्टल रेगुलेशन जोन में कि वहाँ पे आप गैस पावर प्लांट्स जो है वो सेटअप कर सकते हैं अंडमान एंड है निकोबार में मोर ऑन न्यूज़ की अगर बात बताएं तो ये डिसीजन जो किस पे बेस्ड है नेशनल कोस्टल कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी है उस पर बेस्ड है और उनकी रिकमेंड उनकी रिकमेंडेशन पर बेस्ड है कि गैस बेस्ड पावर प्लांट जो है विद इन आइलैंड प्रोटेक्शन जोन जो है आइलैंड कोस्टल रेगुलेशन जोन जो है थ्री में आप बना सकते हैं जो कि टू हंड्रेड टू फाइव हंड्रेड मीटर में होता है जो कि आइलैंडर्स एनर्जी जो भी हमारे आइलैंडर्स हैं जो भी हमारे पीपल रहते हैं उनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करेगा और डिपेंडेंस जो है हाईली पॉल्यूटिंग कन्वेंशनल फ्यूल्स पर उसको रिड्यूस करेगा अब अंडर आइलैंड प्रोटेक्शन जोन की बात करें टू थाउजेंड नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन की जो भी कुछ सर्टन कोस्टल स्ट्रेच हैं जो कि कोस्टल रेगुलेशन जोन डिक्लेयर किए गए हैं और रिस्ट्रिक्शन जो भी इम्पोज थे मतलब आइलैंड प्रोटेक्शन जोन में तो कुछ कुछ रेस्ट्रिक्शन वो थे कि आप इंडस्ट्री सेटअप नहीं कर सकते ऑपरेशन प्रोसेस नहीं कर सकते तो आपको पता है कोस्टल रेगुलेशन जोन हमने पढ़ा था कि चार उसमें डिवाइडेड है कोस्टल रेगुलेशन जोन वन कोस्टल रेगुलेशन जोन टू थ्री में दो पार्ट में डिवाइडेड एंड फोर तो वन और फोर को जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज हैंडल करेगी और जो दो टू एंड थ्री है उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट करेगी ठीक है तो थ्री के लिए स्टेट गवर्नमेंट करेगी तो अभी इसी से रिलेटेड है कोस्टल रेगुलेशन जोन वो रेगुलेशन जोन है कि मतलब इतने लिमिट तक आप वहाँ पर डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकते हो अदरवाइज नहीं ठीक है तो फर्दर आ, फिर इंटरनेशनल फिर कोस्टल रेगुलेशन जोन का नोटिफिकेशन आया और वहां पर कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटीज़ उन्होंने लिमिट कर दिया स्पेशली फॉर जो भी हमारी अंडमान निकोबार आइलैंड है वहां पर उन्होंने एट बिगर ओशनिक आइलैंड को डिवाइड किया इन अंडमान एंड निकोबार इंटू टू ग्रुप्स दो ग्रुप्स में और डिक्लेयर किया कोस्टल स्ट्रेचेस ऑफ वाटर एरिया अप टू टेरिटोरियल वाटर लिमिट्स लिमिट द कंट्री जो भी टेरिटोरियल वाटर लिमिट्स आती है उसको इन आइलैंड कोस्ट रेगुलेशन जोन डिक्लेयर किया फिर आइलैंड कोस्ट रेगुलेशन जोन है जो है वो कवर करता है लैंड एरिया हाई टाइड लाइन टू टू हंड्रेड मीटर्स ऑन लैंडवर्ड साइड और अलोंग द सी अगर बात करें ग्रुप वन आइलैंड एंड हंड्रेड मीटर्स जो है लैंडवर्ड साइड अलोंग द सी ग्रुप ऑफ टू आइलैंड्स ठीक है तो अब देख लेते हैं ग्रुप वन आइलैंड में अगर बात करें तो आइलैंड और जोग्राफिकल एरियाज जो है वो ज़्यादा है थाउजेंड स्क्वायर किलोमीटर से सच एज साउथ अंडमान मिडिल अंडमान नॉर्थ अंडमान एंड ग्रेट निकोबार और ग्रुप टू आइलैंड्स विद जोग्राफिकलिकलिकल एरिया जो हंड्रेड स्क्वायर किलोमीटर बट थाउजेंड स्क्वायर किलोमीटर से कम है सच एज बरतान लिटिल अंडमान हैवलॉक एंड कार निकोबार ओके सो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि आइलैंड प्रोटेक्शन जोन में कोस्टल रेगुलेशन जोन को फॉलो किया है दैट्स इट नेक्स्ट इज ब्लू फ्लैग बीचेज ब्लू फ्लैग बीचेज हमेशा न्यूज़ में रहता है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट तो ग्लोबल रेकेगनाइज रेकग्नाइज इंटरनेशनल इको लेवल जो कि जिसको हम ब्लू फैक्ट सर्टिफिकेशन बोलते हैं अभी दो बीचेस को दिया गया है पहला है मिनिकॉय थुंडी बीच एंड कडमल बीच जो हमारे लक्षद्वीप के दो बीचेस हैं उनको दिया गया है ब्लू फैक्ट सर्टिफिकेशन और हमारे इंडिया में अब ब्लू फैक् सर्टिफिकेशन जो है ट्वेल्व बीचेस को दिया गया है अब ब्लू फैक्स सर्टिफिकेशन की बात करें तो ये अवार्ड कौन करता है फाउंडेशन फॉर एन्वायरमेंट एजुकेशन जो एफ ई ए डेनमार्क बेस्ड नॉन प्रॉफिट फाउंडेशन है वो देती है ये हमारे उन बीचेस को देती है जो हमारे बीचेस क्लीन रहते हैं ठीक है थीके? टूरिज्म को ऑपरेट करते हैं सस्टेनेबिलिटी जो है टूरिज्म सेक्टर की उसको बढ़ाते हैं और सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रैक्टिस इवॉल्व मतलब ए, लेते हैं अब अवॉर्ड किसको अवार्ड किसको दिया जाता है बीचेस मरीन ए, मरीन्स को सस्टेनेबल बोटिंग टूरिज्म ऑपरेटर्स को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर बात करें तो एनवायरमेंटली स्ट्रेंजेंट होना चाहिए एजुकेशनल सेफ्टी एसेसबिलिटी क्राइटेरिया मेंटेन करना चाहिए अवार्ड जो है वो फोर मेन कैटेगरीज में दिया जाता है एनवायरमेंट एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन वाटर क्वालिटी एनवायरमेंटल मैनेजमेंट एंड सेफ्टी एंड सर्विसेज तो दीज आर द फोर कैटेगरीज जिसमें आपको दिया जाता है अब कौन कौन से दस बीचेस बारह बीचेस को दिया गया है हम वो देख लेते हैं तो सबसे पहले शिवराजपुर बीच जो है वो कहाँ पर आता है गुजरात में फिर गोगला बीच जो है दियू में आता है पडुबिदरी कसरकाओ बीच कर्नाटका में आता है ठुंडी बीच एंड कदमत बीच अभी अभी दिए गए लक्षद्वीप में आता है फिर कपड़ बीच केरला में कोवलम बीच तमिलनाडु में एडेन बीच पुडुचेरी में राधानगर बीच अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में ऋषिकोंडा बीच आंध्र प्रदेश में और गोल्डन बीच हमारा उड़ीसा में तो दीज आर द ट्वेल्व बीचेस जिसको दिया गया है ओके तो जनरली हमारी कोस्टल एरियाज़ की जो बीचेस हैं और सदरन गुजरात से स्टार्ट करें तो उन्हीं बीचेस को दिया गया है नेक्स्ट इज अभिजन कन्वेंशन आपने पढ़ा होगा जो कॉप थर्टीन हुआ है उसमें अभिजन कन्वेंशन हमने अडॉप्ट किया है बताइएगा कौन सी यू एन का था यू एन का था और यू एन का इन तीनों में से कौन सा था ठीक है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा तो फॉर्मली अगर बात करें कन्वेंशन फॉर कॉपरेशन इन प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट डेवलपमेंट मरीन एंड कोस्टल एनवायरमेंट के लिए अटलांटिक कोस्ट जो वेस्ट में और सेंट्रल साउथ अफ्रीका रीजन में ये आया था नाइनटीन में ये मरीन एनवायरमेंट कोस्टल जोन्स इनलैंड वाटर जो होते हैं विद इन द वेस्ट एंड सेंट्रल दिन अफ्रीका रीजन उनको कवर किया था और ये जनरली हमको क्या है कि हमारे जो एबिजन कन्वेंशन एरियाज़ हैं उनको प्रोटेक्ट करना है उनके रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करना है और वेलविंग well जो है पीपल के उनको बढ़ाना है ओके नाउ लेट्स कम टू ग्रेट बैरियर लीफ अब आपको पता है ग्रेट बैरियर लीफ जो है ऑस्ट्रेलिया में है हमारी ग्रेट बैरियर लीफ वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है अभी ये बहुत ज़्यादा थ्रेट आ, फेस कर रही है बिकॉज ऑफ कोरल एरिया कोरल बिकॉज ऑफ कोरल रिचिंग के कारण सो साइंटिस्ट ने अभी सक्सेसफुली न्यू मैथड बनाया है कि आप कैसे उसको ट्रेल कर सकते हो क्रायो टू फ्रीज एंड स्टोर कोर लार्वे मोर ऑन न्यूज की बात करें तो क्रायो मेश जो है वो हेल्प करेगा कि हम रीफ को बिल्ड कर सकें जो भी क्लाइमेट चेंज के थ्रू थ्रेटेंड हो रही है मेश टेक्नोलॉजी जो है वो कोरल को स्टोर करेगा लार्वे को एट माइनस वन नाइन्टी सिक्स डिग्री सेल्सियस अब ग्रेट बैरियर रीफ की बात करें तो ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट बैरियर लीफ है जो नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट ऑस्ट्रेलिया के वहां पे लाई करते हैं और ये वर्ल्ड हेरिटेज एरिया भी डिक्लेयर है 1981 में बिकॉज ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू अब कोरल्स की बात करें तो कोरल्स आपको पता है इन्वर्टिब्रेट्स एनिमल्स हैं कलरफुल एनिमल्स हैं सिंडारिया भी बोलते हैं है। फीचर्स की बात करें तो हर कोलर्स को पॉलिप बोला जाता है इसमें एक एल्गी होता है जिसको हम जू जेंथली एल्गी बोलते हैं और जू जेंथली एल्गी के साथ ये सिम्बॉइटिक uh, रिलेशनशिप में रहता है कोरल पॉलिप्स जो है और जो एल वो एल प्रोवाइड करते हैं, मतलब एल प्रोवाइड करते हैं होम एंड एक्सचेंज में एल जो है उनको फूड जनरेट करके देता है थ्रू फोटो सिंथिस अब सिग्निफिकेंस की बात करें तो लेस देन वन परसेंट ऑफ दर्थ सर्फिस जो है शेयर करते हैं और फ्रॉम बैरियर्स टू प्रोटेक्ट शोर लाइन फ्रॉम वेव्स एंड स्ट्रॉम जनरली ड्राउट्स एरिया आते हैं ड्राउट्स जो हमारे फ्लड्स आते हैं उनसे हमको प्रोटेक्ट करते हैं टाइप्स ऑफ कोरल्स की बात करें तो हार्ड कोरल सॉफ्ट कोरल्स होते हैं हार्ड कोरल जो है उसमें प्राइमरी रीफ बिल्डिंग कोरल्स होते हैं जो कैल्शियम कार्बोनेट हमारे सी वाटर से एक्सट्रैक्ट करते हैं और सॉफ्ट कोरल्स जो होते हैं इनमें सॉलिड जो स्केलेटन होता है वो नहीं होता है थ्रेट्स की बात करें ओशियन एसिडिफिकेशन टेम्परेचर हाई न्यूट्रंस रन ऑफ कोरल हार्वेस्टिंग ये सारी चीज़ें थ्रेट है अब कोरल रीफ्स की अगर बात ग्रेट बैरियर रीफ्स की बात करें तो ग्रेट बैरियर रीफ जो है लार्ज एनफ है टू विजिबल फ्रॉम स्पेस इज मेड ऑफ नियरली थ्री थाउजेंड था। इंडिविजुअल रीफ्स तो दिस इज कोरल कोरल रीफ्स आप देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के वहाँ पे नाउ लेट्स कम टू कोरल रिफ्स इन इंडिया तो कोरल रिफ्स इंडिया में अगर बात करें तो चार जगह मिलती है गल्फ ऑफ मन्नार पाक वे गल्फ ऑफ का अंडमान निकोबार लक्षदीप एंड मालवन महाराष्ट्र में ठीक है फाइव सेवेंटी स्पीशीज़ है हार्ड कोलर की हमारे इंडिया में पाई जाती है और नाइन्टी परसेंट ऑफ द कोलर जो है अंडमान निकोबार में है और शड्यूल वन जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का उसके अंदर प्रोटेक्टेड है अब लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर अगर बात करें तो ज्वाइंट रिपोर्ट अभी लाई गई है आई यूनेस्को ने लेकर आए हैं कि वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर्स जो हैं उन्होंने रिकमेंड किया है कि जो भी ग्रेट बैरियर रीफ है वो हमारी लिस्ट ऑफ़ वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर में इंस्क्राइब किया जाएगा ठीक है क्योंकि ऑब्वियसली ग्रेट बैरियर रीफ जो है डेंजर में है अब किसी भी साइट को अगर डेंजर लिस्ट में वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर के लाना है लाएंगे तो वो उसमें क्या है वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर वर्ल्ड हेरिटेज फंड मिलेगा इमीडिएट असिस्टेंस उनको प्रोवाइड किया जाएगा और सपोर्ट एंड अटेंशन भी मिलेगा अब आते हैं एक्रोपोरा कोलर्स तो एकपोरा कोरल्स की बात करें तो रिसेंट रिपोर्ट ने बोला है कि हाइएस्ट लेवल ऑफ हाइस्ट लेवल्स जो है कोलर कवर का विद इन पास्ट थर्टी सिक्स रिकॉर्ड हुआ है नॉर्दर्न एंड सेंट्रल पार्ट ऑफ ग्रेट बैरियर लिव फ्यूल्ड लार्जली बाय इंक्रीजिंग इन फास्ट ग्रोइंग एक्रोपोरा कोलर्स अब ये एक्रोपोरा कोलर्स होते हैं ये फास्ट ग्रोइंग कोलर्स होते हैं ये जनरली एनवायरमेंटल प्रेशर से मोर ससेप्टेबल होते हैं सच एज रेजिंग टेम्परेचर साइक्लोस और पॉल्यूशन जल्दी खराब हो जाते हैं फिर आते हैं ब्लैक कोलर्स रिसर्चर्स ने अभी डिस्कवर किया है न्यू स्पीसीज़ ऑफ ब्लैक कोरस जो ऑस्ट्रेलिया के कोस्ट में और ये जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड मिलते हैं हर डेप्थ में मिलते हैं शैलो वाटर बस में नहीं डीप वाटर्स में भी मिलते हैं इनको डीप सी कोरल्स भी बोलते हैं जनरली ये ब्लैक होते हैं और रैदर uh, मतलब कलर्स में वेरी नहीं करते कलर्स uh, में मतलब बट रैदर बहुत कम वेरी करते हैं और ये फ़िल्टर्स फीदर होते हैं और ईट टाइनी जू प्लैक्टॉन अब आते हैं ए जू जेंथली कुरल्स तो ए जू जेंथली कुलर्स की कोरल्स की अगर बात करें तो आपको पता है जू जेंथली एक एल्गी है जो हमारे कोरल्स के सिम्बॉटिक रिलेशनशिप में रहता है बट जिनमें जू जेंथली कोरल जू जेंथली नहीं होता वो कॉरल्स को हम क्या बोलते हैं A Zuzenthali corals. For the first time, zoological survey of India recorded four species of a three corals from waters of Andaman and Nicobar Island. <coughs> अब सारे फोर कोरर्स कोरल्स जो हैं वो सेम फैमिली फ्लेबीडीई से बिलोंग करते हैं एजूजेंथली कोरल्स वो ग्रुप ऑफ कोरल्स होते हैं जो जूजेंथली को कंटोन नहीं कं, 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 कंटेन नहीं करते और ये नरिशमेंट जो है वो सन से नहीं पाते बल्कि डिफरेंट लेवल्स ऑफ प्लैंकटॉन्स जो वहाँ पे रहते हैं मरीन में उनसे उनको फूड मिलता है इनको डीप सी रिप्रेजेंटेटिवस भी बोलते हैं और रिपोर्टेड ये इनको कोस्टल वाटर से रिपोर्ट किया गया है ठीक है तो एजेंथली कोरल नाउ लेट्स कम टू अदर बायोडावर्सिटी रिलेटेड इनिशिएटिव तो सबसे पहले आते हैं एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया की अगर बात करें तो ये एक स्टैटरी बॉडी है जो प्रिवेंशन ऑफ क्रोलिटी ऑफ एनिमल एक्ट के अंदर बनाई गई है ठीक है इसका हेडकोार्टर हरियाणा में है 1962 में बनाई थी बनाई गई थी ये जनरली हमारी जो अनसफरिंग होती है जो हमारी सफरिंग होती है अननेसेसरी पेन होता है एनिमल से उससे डील करती है और एक्ट ये एडवाइजरी बॉडी है सेंट्रल गवर्नमेंट की और स्टेट गवर्नमेंट की ठीक है फिर चैम्पियंस ऑफ अर्थ अवार्ड अभी इंडियन वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट बायोलॉजिस्ट जो है डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मान को अभी यूनाइटेड नेशन ए, एनवायरमेंट प्रोग्राम का यू का प्रोग्राम है चैंपियंस ऑफ वाटर वार्ड तो उनको मिला है एंटरप्रनोर विजन कैटेगरी के लिए बरमान जो है जो भी ये पूर्णिमा पूर्णिमा देवी थे ये हरगिला आर्मी और फीमेल ग्रास रूट कंजर्वेशन मूवमेंट के लिए फेमस है चैंपियन ऑफ अर्थ अवार्ड की अगर बात करें तो 2005 से दिया जा रहा है एनुअली दिया जाता है यूनाइटेड नेशन का हाईएस्ट एनवायरमेंट ऑनर है जो हमारी प्राइवेट गवर्नमेंट सिविल सोसाइटीज़ को दिया जाता है इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन और को भी दिया जाता है फिर आते हैं उरान लैंड ओरान लैंड की अगर बात करें तो रेसिडेंट्स जो है जैसलमेर के वो डिमांड कर रहे हैं ओरान लैंड टू बी डिक्लेर एज कम्युनिटी कंजर्व सेक्रेड स्पीश अगेंस्ट इट करेंट स्टेटस ऑफ वेस्ट पहले अभी इसको ओरान लैंड को वेस्ट डिक्लेयर किया गया है, तो इसको वो कर रहे है राजस्थान में उड़ान जो, जो, जो है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड यहाँ पर डेजर्ट कैट भी पाया जाता है उड़ान में हर्डर्स जो है लाइफ स्टॉक ग्रेजिंग के लिए यूज करते हैं प्लेसेस जो है कम्यूनल कॉन्ग्रीगेशन के लिए फेस्टिवल्स के लिए इन सब चीजों के लिए यूज करते हैं फिर आते हैं एसलो फेनै इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने डिमांड किया है कि वो एसलो फिनैक को कैटल में बैन करेंगे ये एक वेटनरी पेन किलर है ये क्या करते हैं मेटाबोलाइज करती है इनटू डाइक्लोफिनाक इन वाटर वेफेलोस एंड काउस ठीक है और वल्चर पॉपुलेशन को इंडिया में और डाइक्लोफिक जो है ये एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है जो कि बैन कर दिया गया था टू में बिकॉज ये वीड कॉस है ड्रामेटिक डिक्लाइन ऑफ वर्चर पॉपुलेशन का अब आते हैं वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड टू तो हैदराबाद सिटी को मिला है वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड एंड लिविंग ग्रीन सिटी फॉर इकोनॉमिक रिकवरी एंडक्लूसिव अवार्ड ठीक है है ये कौन देता द इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूसर अब आते हैं स्पॉन्ज ब्लीचिंग तो इस साल न्यूजीलैंड ने रिकॉर्ड किया लार्जेस्ट लेवल स्पॉन्ज ब्लीचिंग इवेंट ऑफ इट्स सदर्न कोस्टलाइन अब स्पॉन्जेस की अगर बात करें तो सिंपल एक्विटिक एनिमल्स होते हैं जहां पे डेंस येट पोरस और स्केलेटर होते हैं हैबिटेट की बात करें तो रीफ रीफ अक्रॉस द वर्ल्ड मिलती है की फीचर्स ये लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर को फिल्टर करते हैं स्मॉल फूड प्रैक्टिस को कैप्चर करते हैं कार्बन को वाटर कॉलम से सी फ्लोर की तरफ मूव करते हैं थ्रेड्स यही है कि ये कोरल की तरह होते हैं और प्रोन होते हैं ब्लीचिंग के अगर टेम्परेचर बढ़ जाए तो ये जनरली ब्लीच हो जाते हैं ठीक है ख़त्म हो जाते हैं अब आते हैं कुछ रिपोर्ट्स एंड एंडाइसिस सबसे पहले स्टेट ऑफ बर्ड्स वर्ड्स वर्ड्स बर्ड्स ये बर्ड लाइफ इंटरनेशनल जो है वो निकालती है रिपोर्ट बर्ड लाइफ इंटरनेशनल की बात करें तो ये नॉन प्रॉफिट ग्लोबल कंजर्वेशन ग्रुप है जो ऑफिशियल रेड लिस्ट निकालती है हमारे बर्ड्स के लिए और बॉम्बे नेचुरल इंडियं हिस्ट्री सोसाइटी जो है मुंबई की इंडिया से पार्टनर है इसकी की फाइंडिंग्स की बात करें तो बहुत सारी स्पीशीज को क्रिटिकली एंडेंजर बोला है थ्रेड्स जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है बर्ड्स के लिए ठीक है तो इंडिया रिलेटेड फाइंडिंग की अगर बात करें तो एटी जो बर्ड स्पीशीज़ हैं इंडिया में डिक्लाइन हुई है फिफ्टी परसेंट डिक्लाइन है सिक्स परसेंट स्टेबल पॉपुलेशन है फोर्टीन परसेंट राइजिंग पॉपुलेशन है क्रिटिकली एंडेंजर बर्ड्स की बात करें तो हिमालयन क्वेल ग्रेट इंडियन बस्टर बंगाल फ्लोरिकन कर्स, व्हाइट बाइल्ड हेरोन रेड हेडेड वर्चर व्हाइट रंप्ड वर्चर इंडियन वर्ल्चर स्लेंडर बाइल्ड वर्ल्चर बगन लियोशिला एंड येलो ब्रेस्टेड बंटिंग ठीक है तो दीज आर द बर्ड्स जो हमारी क्रिटिकली एंडेंजर्ड है नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्टेट ऑफ वर्ड्स फॉरेस्ट रिपोर्ट 2022 ये यूनाइटेड नेशन फाउ रिलीज करती है वर्ल्ड फॉरेस्ट ड्यूरिंग वर्ल्ड फॉरेस्ट्री कांग्रेस ये डेटा और उसको एनालाइज करती है कि जो हमारा फॉरेस्ट है उनके पीपल के बीच में क्या इंटरेक्शन है उनको एनालाइज करती है तो जो भी हमारी आ, सोफो है स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट जो है ये पोटेंशियल जो है देखती है एक्सप्लोर करती है तीन फॉरेस्ट में एंड थ्री बेस्ड पाथवेज में के बात करें तो मोर देन हाफ ऑफ द फिफ्टी परसेंट फिफ्टी फोर परसेंट जो वर्ल्ड फॉरेस्ट है ओनली फाइव कंट्रीज में मिलता है रशिया फेडरेशन ब्राजील कैनेडा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड चाइना फॉरेस्ट जो है वो ज्यादा कार्बन एब्बॉ करता है टू थाउजेंड इलेवन और टू थाउजेंडेंड ट्वेंटी के बीच में और रेट ऑफ डिफॉरेस्टेशन जो है वो डिक्लाइन हुआ है तो सोफो कौन रिलीज करता है यूनाइटेड नेशन फाउ रिलीज करती है फिर आते हैं आईपीबीएस असेसमेंट रिपोर्ट सस्टेनेबल यूज ऑफ वाइल्ड स्पीशीज वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट ये कौन रिलीज करता है सस्टेनेबल यूज़ ऑफ वाइल्ड स्पीशीज़ रिपोर्ट कौन रिलीज़ करता है आई पी बी ई एस ये बॉडी के बारे में जानना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडावर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज ये हमारी जो वाइल्ड स्पीशीज़ हैं उनको सस्टेनेबल वे में यूज़ कैसे करना है उनको एनालाइज़ कैसे करना है क्या टूल यूज़ करना है उससे रिलेटेड है ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड रिपोर्ट है जो आ, आफ्टर द फोर ईयर्यस लाई गई है ये फाइव ब्रॉड कैटेगरीज में प्रैक्टिसेस को देखती है फिशिंग गैदरिंग लॉगिंग टेरेस्ट्रियल एनिमल हार्वेस्टिंग एंड नॉन एक्सट्रैक्टिव प्रैक्टिसेस अब आई की बॉडी के बारे में बात करें तो इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडावर्सिटी इको सिस्टम सर्विसेज़ की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर बॉन जर्मनी में है स्टैब्लिश हुई थी टू में ये एक इंडिपेंडेंट इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है ये इसका ऑब्जेक्टिव यही है, है कि जो भी हमारी कंजर्वेशन और सस्टेनेबल जो हमारी बायोडावर्सिटी है उसको कंजर्व करें उसको सस्टेनेबल वे में यूज़ करें साइंस पॉलिसी बनाएँ 139 इसके पार्टी है इंडिया भी इसका मेंबर कंट्रीज है ये यूनाइटेड नेशन बॉडी नहीं है याद रखिएगा इट इज़ नॉट अ यूनाइटेड नेशन बॉडी बट यूनियन पी जो है ये सेक्रेटेरिएट इसको प्रोवाइड करते हैं और सारे जो यूनाइटेड नेशन के मेंबर हैं वो एलिजिबल हैं कि इसके मेंबर बन सकते हैं फिर आते हैं स्टेट ऑफ मांग्रूवस रिपोर्ट ये जनरली ग्लोबल मांग्रूव एलायंस रिलीज करती है अब ग्लोबल मांग्रूव अलायंस की एक्सटेंड की बात करें तो ये जो है बहुत ज़्यादा थ्रेड फोकस कर रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ग्लोबल मांग्रूव अलायंस क्या है ग्लोबल मांग्रूव अलायंस की बात करें तो ये 2018 में लॉन्च की गई थी वर्ल्ड ओशन समिट के टाइम पे आई ने लॉन्च किया था फिर नेचर कंजर्वेंसी नेचर कंजर्वेंसी वेटलैंड इंटरनेशनल एंड वर्ल्ड वाइड फंड ने ये चार ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर लॉन्च किया था इसमें यही है कि जो मांगरूब हैबिटेट है उसका ग्लोबल एरिया को इंक्रीज करना है रिसर्च एडवोके रिसर्च बढ़ाना है एजुकेशन बढ़ाना है प्रैक्टिकल वो जो भी मांगरूब लॉस होते हैं उसको कम करना है इंप्लीमेंट करना है साइंस बेस्ड रजिस्ट्रेशन और अवेयरनेस uh, बढ़ाना है मेम्बरशिप की बात करें तो थर्टी ऑर्गेनाइजेशन मोर देन थर्टी ऑर्गेनाइजेशन इसके मेम्बर हैं ठीक है अदर की इफॉर्मेशन की बात करें तो स्टेट ऑफ वर्ल्ड मांग्रूव्स रिपोर्ट यही निकालते हैं ठीक है मांग्रूव्स फॉर द फ्यूचर एक इनिशिएटिव है जो कि यूनिक पार्टनर लेड इनिशिएटिव है जो कोस्टल वाटर्स को प्रोटेक्ट करती है अब मांग्रूव्स फॉर द फ्यूचर के जो कंट्रीज हैं वो कौन कौन सी कंट्रीज हैं बांग्लादेश कंबोडिया इंडिया इंडोनेशिया मालदीव म्यांमार पाकिस्तान स्विचरलैंड श्रीलंका थाईलैंड वियतनाम ओके उसके बाद आते हैं लिविंग प्लानिट रिपोर्ट वेरी इंपॉर्टेंट इन लिविंग प्लानट इंडेक्स ये हमारी कौन रिलीज़ करती है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर एक इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंट इन नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है स्विजरलैंड पर बेस्ड है ये हर दो साल में एक बार रिपोर्ट रिलीज करती है कैसे स्पीशीज जो है प्रेशर में है बिकॉज ऑफ एनवायरमेंट बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज टाइटल यह है बिल्डिंग अ नेचर पॉजिटिव सोसाइटी अब लिविंग प्लानिट इंडेक्स की बात करें तो ये जो लिविंग प्लानिट इंडेक्स जो है ये बर्ड के बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में जो भी पॉपुलेशन ट्रेंड है उसको मेजर करती है ये अडॉप्ट किया गया था बाय द कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी और ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे पोस्ट ट्वेंटी ट्वेंटी गोल्स में अब आते हैं ग्लोबल फॉरेस्ट डिक्लेरेशन असेसमेंट रिपोर्ट ये कौन रिलीज ये जो रिपोर्ट है दैट इज़ असेसमेंट रिपोर्ट द ग्लोबल फॉरेस्ट डिक्लेरेशन असेसमेंट जो है ये एक इंडिपेंडेंट सिविल सोसाइटी लेड इनिशिएटिव है ये रिपोर्ट जो है डिफॉरेस्टेशन जो है उसको देखती है कि क्या हमने डिफॉरेस्टेशन किया है कितना उसके फॉरेस्टेशन किया उसको प्रोग्रेस को मेजर करती है और बोलती है कि थ्री मिलियन हेक्टर्स जो डिग्रेडेड लैंड है उसको ट्वेंटी तक हमको रिस्टोर करना है अब ये गोल्स जो है इंटरनेशनल मैनीफेस्टोज भी सेटअप करती है दिस इंक्लूड जैसे न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन फॉरस्ट ग्लासो लीडर्स डिक्लेन ऑन फॉरेस्ट ऑफ लैंड मेजर है ओवर रीचिंग फॉरस्ट गोल्स एंडिंग द लॉस एंड डिग्रेडेशन बाई ट्वेंटी थर्टी सस्टेनेबलपमेंट एंड सस्टेनेबल प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट फॉरस्ट गवर्नेंस एंड फाइनेंस फॉर फॉरस्ट अब की फाइंडिंग रिपोर्ट की अगर बात करें तो डिफॉरस्टेशन रेट जो है वो डिक्लाइन हुआ है टारगेट टेन परसेंट है कमोडिटी डिवेंट्री जो है टारगेट ट्वेंटी परसेंट है फाइनेंस जो है टू पॉइंट थ्री बिलियन पर ईयर मिल रहा है टारगेट 460 बिलियन है गवर्नेंस जो है फॉरेस्ट और फॉरेस्ट लैंड का वो स्ट्रॉग इनफ नहीं है तो टारगेट लीगल एंड पॉलिसी मेजर्स इन ऑल कंट्रीज ओके सो दिस इज़ द एंड ऑफ बायोडावर्सिटी आई विल स्टार्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट टुमारो थैंक यू सो मच पढ़ते रहिए वीडियोस देखिए जो भी मैं इंपॉर्टेंट बोल रही हूँ सिर्फ वही पढ़िए अदर इर रेलिवेंट चीज़ें नहीं पढ़ने की ज़रूरत है ठीक है तो जो भी आएगा आपको सब बनेगा आप सिर्फ इस चैनल पर बेस्ड रहिए इस चैनल को पढ़िए इस चैनल में जो भी चीज़ें बताई जानी है उस चीज़ों को देखिए बस वही इंपॉर्टेंट है बिकॉज क्या होता है कि अगर आप अदर चीज़ें पढ़ते हैं तो आप सारी चीज़ें भूल जाते हैं तो प्लीज़ स्टिक टू द वन सोर्स जो भी मैं पढ़ा रही हूँ वही बस पढ़ के जाना है ठीक है थैंक यू सो मच इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम जस्ट कमेंट मी ऑन द कमेंट सेक्शन थैंक यू